अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 8th क्लास यूनिट नंबर 2 सेल डिवीजन एंड लेक्चर नंबर 1। अब हम इस लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ेंगे कि इस यूनिट नंबर 2 में जो कि सेल डिवीजन से रिलेटेड है, इसमें सेल खुद को डिवाइड कैसे करता है, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो उन्हें बढ़ने के लिए साइज में और वेट में सेल्स की जरूरत होती है। तो क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ भी मौजूद नहीं होगी, और अगर सेल होगा तो लाइफ जो है वो होगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन वेट होंगे और ग्रो करेंगे। तो इसमें जो सेल्स हैं वो कहाँ से वजूद में आते हैं, या नए सेल्स कहाँ से बनते हैं? तो इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जो पहले से ही मौजूद सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो डिवाइड होते हैं और उनसे नए सेल्स बनते हैं। तो दूसरी बात, इसमें अहम बात जो है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने वालदैन से बहुत ज्यादा हद तक मुशाबहत रखते हैं, अपने वालदैन से मिलते जुलते हैं, तो वो भी जो है वो सेल डिवीजन की वजह से ही ऐसा होता है। क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये एक हेरिडेटरी करेक्टर है, ये विरासती खसूसियत होती है जो के वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। और ये जो हेरिडिटी है ये सेल डिवीजन की वजह से ही होती है। तो अब हम सेल डिवीजन की तरफ चलेंगे कि इसकी डेफिनेशन में देखें। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। जो सेल डिवीजन है ये एक सेल दो डॉटर सेल्स में चेंज हो जाता है, टूट कर दो डॉटर सेल बना देता है, ये सेल डिवीजन कहलाएगी। इसमें जो पहले से मौजूद एक सेल होगा वो पेरेंट सेल कहलाएगा, क्योंकि उस पेरेंट सेल ने डिवाइड होना होता है, अब उससे आगे दो सेल्स मजीद बनाने होते हैं। और उस पेरेंट सेल से डिवाइड होने के बाद फर्दर जो दो सेल बनते हैं वो डॉटर सेल्स कहलाते हैं। सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले पहले जो पेरेंट सेल होता है वो क्या करता है कि एक ऐसी फेज से गुजरता है, एक ऐसे मरहले से गुजरता है जिसको इंटरफेज कहते हैं। इस इंटरफेज मरहले में जो क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस में, ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि अपने जो नंबर्स हैं वो डबल कर लेते हैं, अपनी एक और प्रिंट कॉपी निकाल लेते हैं। डुप्लीकेशन का क्या मतलब है कि कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डिवेलप्ड, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उनकी कॉपी बन जाती है, वो अपनी डुप्लीकेशन कर लेते हैं। अब जो सेल डिवीजन है इसमें बेसिकली दो प्रोसेसेस यानी कि दो फेजेस हैं, एक न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन, और एक है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन की डेफिनेशन में देखें, न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो सेल डिवीजन है इसमें दो टाइप्स हैं इसकी, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या है कि जनरली ही मैं बता दूंगी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जो माइटोसिस है इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो दो डॉटर सेल बनाता है, लेकिन जो मियोसिस है उसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है लेकिन चार डॉटर सेल्स उसे बनाता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशन थी। बैक में जाऊंगी न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि हमने जो है वो पढ़ा था न्यूक्लियर डिवीजन में, जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो ये सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, क्योंकि इसने क्या करना होता है कि तमाम सेल में जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी सरगर्मियां हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करना है। तो न्यूक्लियस जो है वो उसका मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं ये न्यूक्लियस सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस मौजूद है उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है, एक क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। जो क्रोमोसोम है ये धागा नुमा साख्ते होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसके साथ अब डीएनए क्या है जी, डीएनए जो है वो ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, यानी कि सारी मालूमात मौजूद होती है कि जो पेरेंट सेल्स है उससे जो नया डॉटर सेल बनेगा उसमें कौन कौन सी मालूमात जो है वो ट्रांसमिट होनी है, शिफ्ट होनी है। तो जो डीएनए है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें पूरी की पूरी मालूमात मौजूद होती है।
तो इसी वजह से डीएनए को हम हेरिडिटरी मटेरियल यानी वरासती मादा भी कहते हैं। अब वो कहता है कि जो एक स्पीशी है ऑर्गेनिज्म की, उसमें जितने भी नंबर ऑफ क्रोम्स हैं एक सेल के अंदर, वो एक जैसा ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो होती है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की, यानी अगर हम सिंगल में देखें तो 46 बने, सिंगल फॉर्म में 46 हैं, और अगर डबल फॉर्म में देखें या पेयर की फॉर्म में देखें तो 23 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के। तो जब गैमेट सेल्स बनते हैं यानी कि स्पर्म्स और एनिमल्स में ये दोनों होते हैं स्पर्म्स और एग्स, लेकिन प्लांट्स में जो है वो स्पोर्स होते हैं, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कम हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ताकि जो गैमेट्स और स्पोर्स हैं जब वो अगली नस्ल प्रोड्यूस करें तो एक सेल फर्दर दो में डिवाइड हो सके। अब मैं चलूंगी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा माइटोसिस है। तो माइटोसिस की डेफिनेशन चूंकि मैंने पहले भी बताई थी कि एक जो सेल है वो डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में, तो इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये सेम ही रहते हैं, यानी कि जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। चूंकि हमने इंटरफेज में पढ़ा कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं ये अपनी तादाद जो है वो डबल कर लेते हैं, अपनी कॉपीज रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो इसलिए क्या है कि वो एक कॉपी पेरेंट सेल के अंदर रह जाती है और एक कॉपी जो है वो डॉटर सेल में चली जाती है। यहाँ ये देखें डायग्राम के अंदर कि एक जो है वो रेड कलर का क्रोमोसोम है और एक है ग्रीन कलर का। तो नेक्स्ट जब इंटरफेज में ये सेल जाएगा तो ये डबल हो जाएंगे, यानी कि रेड क्रोमोसोम भी डबल इन साइज हो जाएगा, दो हो जाएंगे, और ग्रीन भी दो हो जाएंगे इंटरफेज में। जब इंटरफेज से फर्दर ये न्यूक्लियर डिविजन में जाएगा तो क्या होगा, जब माइटोसिस होनी है तो जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का वो डिवाइड होगा और दो सेट बना देगा। तो इसमें क्या है कि जब यहाँ पे दो सेट बनेंगे तो जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि एक ग्रूव बन जाएगा, यानी कि अंतर्म्यान में से ये जो न्यूक्लियस है ये दरम्यान में से न्यूक्लियर एनवेलप अंदर को जाना शुरू हो जाएगा मिड में से, ताकि ये क्या करे साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दे दो सेल्स में, ठीक है। ये और मजीद गहरा हो जाएगा, जब ये मजीद यहाँ पे गहरा हो जाएगा तो ये दो सेल बना देगा, टूट जाएगी दरमियान में से ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, तो ये दो डॉटर सेल बना देगा और हर एक सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस भी मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स भी मौजूद है, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है डॉटर सेल्स में जितने के पेरेंट सेल के अंदर मौजूद थे। यहाँ तक थी माइटोसिस की डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मियोसिस। मियोसिस में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और चार डॉटर सेल बनाता है। ये डिफरेंस है माइटोसिस का और मियोसिस का। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होगा तो दो बनाएगा, मियोसिस एक सेल डिवाइड होगा तो चार डॉटर सेल बनाएगा। तो इसमें देखें माइटोसिस में तो हमने पढ़ा कि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स जितने ही होते हैं, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस में जो डॉटर सेल्स जो चार बने हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से हाफ होंगे, आधे रह जाएंगे। तो मियोसिस की डेफिनेशन में देखें, मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवाइड्स ट्वाइस, यानी कि सेल का जो न्यूक्लियस है ये दो दफा डिवाइड होगा, जब ये दो दफा डिवाइड होगा तो चार डॉटर सेल बनाएगा। आगे देखें टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड टू हाफ कंपेयर्ड टू द पेरेंट सेल। यहाँ पे देखें एक पेरेंट सेल है, यहाँ पे पेरेंट सेल में दो ग्रीन क्रोमोसोम्स हैं और दो ही रेड क्रोमोसोम है। जब ये नेक्स्ट इंटरफेज में जाएगा तो ये दोनों अपनी अपनी कॉपीज रेडी कर लेंगे, यानी कि अपनी अपनी डुप्लीकेशन कर लेंगे। जहां दो क्रोमोसोम रेड हैं और दो ही ग्रीन हैं तो वहां ये चार हो जाएंगे, ठीक है, चार ही ग्रीन और चार ही रेड क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट फर्दर जब ये जाएगा न्यूक्लियर डिवीजन में, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि यहाँ पे पहले हो रही है मियोटिक वन। मियोसिस की ये दो टाइप्स होती हैं, एक मियोटिक वन और एक मियोटिक टू। तो पहले हम मियोटिक वन की तरफ चलेंगे कि मियोटिक वन में क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद ये दो सेल बनाएगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल ही होंगे, यानी कि
चारों के चारों ग्रीन और रेड क्रोमोसोम जो है वो अरेंज्ड हो जाएंगे। अरेंज्ड होने के बाद वो अपने अपने सिरों की तरफ, अपने अपने किनारों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि माइटोसिस की तरह ही जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो अंदर को पिंच होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये और अंदर धंस जाएगा तो ये दोनों सेल्स को तोड़ देगा, अलहदा अलहदा कर देगा। लेकिन ये जो दोनों सेल्स हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो अभी भी डबल डबल हैं, यानी कि दो रेड और दो ग्रीन, दोनों में ऐसे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। फिर यहाँ से मियोटिक टू डिवीजन शुरू होगी। ये जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे थे ये फर्दर डिवीजन के लिए जाएंगे, यानी कि बिल्कुल इसी तरह जैसे मियोटिक डिवीजन वन में हो रहा है कि जो है न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद यही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये अरेंज होंगे आपस में। अरेंज होने के बाद ये दोबारा से अपने अपने सिरों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जब ये दोबारा से अपने अपने सिरों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये हाफ रह जाएंगे बजाय डबल्ड होने के। तो इस तरह से फिर न्यूक्लियर इनवेलप अंदर को टूट जाएगा, तो दो सेल्स से जो है वो चार सेल्स बन जाएंगे मजीद, और जो चार सेल्स हैं उनमें पूरे का पूरा न्यूक्लियस भी मौजूद होगा और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी मौजूद होंगे, लेकिन उन क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ होगी पेरेंट सेल की बनिस्बत। थैंक यू।